गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स। काफ़ी समय के बाद मैथ की आज आपकी वीडियो आ रही है और सिंपलीफिकेशन चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। जो बच्चे ग्रीन फील्ड में पढ़ रहे हैं उनका सिंपलीफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और कितना सिलेबस हमें पढ़ना है एनुअल के लिए उसके ऑलरेडी वीडियो मैंने आपको भेज दी है, तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब हमें केवल तीन चैप्टर पढ़ने हैं और उन तीन चैप्टर में पहला चैप्टर पढ़ना है पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, आप चाहे ग्रीन फील्ड से हो चाहे आप शैल ऑफ देश पब्लिक हाई स्कूल से हो, आपका चैप्टर सेम है पेरीमीटर एंड एरिया। इससे पहले जहाँ तक हमने आपको पढ़ाया है शैल ऑफ देश पब्लिक हाई स्कूल में मैंने ज्योमेट्री पढ़ाई है। ज्योमेट्री जहाँ तक पढ़ाया है वहीं तक पढ़ना है आपको। उसके बाद जो बाकी के तीन चैप्टर्स बाकी हैं पेरीमीटर एरिया टाइम एंड कैलेंडर एंड प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो तीन चैप्टर पढ़ने हैं। उसका बजट पेरीमीटर एंड एरिया हम आज पढ़ने वाले हैं। पेरीमीटर और एरिया का पहले आपको हम कॉन्सेप्ट बता दें होता क्या है। देखिए पेरीमीटर जो होता है वो किसी फिगर की टोटल लेंथ होती है। क्या होती है? टोटल लेंथ होती है किसी भी फिगर की। जैसे मैंने कहा ये स्क्वायर है, मैंने कहा ये स्क्वायर है बेटा इसका पेरीमीटर बताइए। मैंने कहा एक साइड 5 सेंटीमीटर की है, तो आपको कहा सर स्क्वायर में सभी साइडें इक्वल होती हैं, अगर ये 5 की है तो सर ये भी 5 की होगी, ये भी 5 की होगी और ये भी 5 की होगी। मैंने कहा बेटा इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो हमने अब कहा कि बेटा पेरीमीटर जो होता है वो टोटल लेंथ होती है। क्या होती है? टोटल लेंथ। तो अगर इसका पेरीमीटर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इन सब की साइडों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 5 + 5 + 5 + 5, तो ये आपका हो गया 20। अगर मैं बोलता कि बेटा ये 5 सेंटीमीटर की है तो आंसर किस में आता, सेंटीमीटर में। मैं बोलता बेटा ये मीटर की है तो आंसर मीटर में आता। तो ये पेरीमीटर आ गया है स्क्वायर का 20 सेंटीमीटर। इसी तरह रेक्टेंगल अगर मैंने दे दिया आपको, मैंने कहा बेटा ये रेक्टेंगल है, ये 5 सेंटीमीटर है तो सर ये भी 5 होगी और ये 2 है तो ये भी 2 होगी सेंटीमीटर में, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, आमने सामने की साइडें इक्वल होती हैं। तो सर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, सर ये 2 है तो ये भी 2 होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। चलिए तो अब यहां पर आपको देखना है कि सर इसका पेरीमीटर, आपने कहा सर पेरीमीटर सबको ऐड कर दे सब सारी साइड्स को, तो आप ऐड कर दीजिए 5 + 2 + 5 + 2, तो पेरीमीटर बराबर 5 5 10 2 + 2 4, तो ये आपका आ जाएगा 14। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत परेशानी, ये पेरीमीटर हो गया। अब आप ट्रायंगल्स के बारे में जानते हैं ना, ट्रायंगल्स कितने प्रकार के होते हैं? सर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, एक आइसोसेलेस होता है और एक स्कैलन होता है। ध्यान दे लीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्कैलन ट्रायंगल। सर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस, अभी हम बता रहे हैं आपको कि क्या होता है, ये स्कैलन। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी सभी साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर एक साइड 2 सेंटीमीटर की है तो सभी कितने सेंटीमीटर की होंगी, 2 सेंटीमीटर की। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा इसकी जो साइड है एसोसेलेस में, आइसोसेलेस में कोई दो साइड आपस में इक्वल होती हैं, अगर ये 3 सेंटीमीटर की है तो ये भी 3 सेंटीमीटर की, लेकिन ये 3 सेंटीमीटर की नहीं होगी क्योंकि सर आइसोसेलेस में केवल दो ही साइडें आपस में बराबर होती हैं, स्कैलन में कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं होती है। तो फिर से सर इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें सभी साइड्स इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है सर जिसमें केवल दो साइड इक्वल होती हैं, स्कैलन ट्रायंगल सर ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। तो अगर इनका पेरीमीटर निकालना होगा तो आप क्या करोगे, सभी साइड्स को जोड़ोगे ना, इसका पेरीमीटर क्या होगा, 2 + 2 + 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो पेरीमीटर को मिला के कॉन्सेप्ट यह है कि सभी साइड्स को जोड़ देते हैं तो पेरीमीटर आ जाता है। तो मैंने यहां स्क्वायर का बताया, रेक्टेंगल का बताया, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, बट इनका एक फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 × साइड। साइड क्या, कुछ जो मेजरमेंट दिया जाएगा, 5 सेंटीमीटर की साइड है कि 4 सेंटीमीटर की है, तो वो पेरीमीटर हो जाएगा। दूसरा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल
क्या होगा? टू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ये आपकी लेंथ होती है और ये ब्रेथ होती है। लेंथ मतलब लंबाई, ब्रेथ मतलब चौड़ाई। तो ये आपका प्रोसेस है, ये रेक्टेंगल का है टू लेंथ प्लस ब्रेथ। इक्विलेटरल ट्रायंगल का कोई प्रॉपर फॉर्मूला आप खुद बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए बेटा, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होगा? सर मैंने सभी साइड्स को जोड़ दिया है तो मैं बोल सकता हूं 3 × साइड, क्योंकि सर 3 साइड है, 1 को 3 से इंटू कर देंगे वही पेरीमीटर होगा। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 × साइड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 × साइड। अब आपको जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, इन्हीं फॉर्मूला पर बेस्ड हैं, अगर आप लगाएंगे तो लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा पहला क्वेश्चन, अगर किसी स्क्वायर के, अब हम क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा केवल, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, किसी स्क्वायर की अगर साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो उसका पेरीमीटर बताएं। तो साइड कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर क्या होता है सर स्क्वायर का? 4 × साइड। 4 × साइड का मतलब 4 × साइड कितनी दी गई है? 10। तो 10 × 4 = 40 सेंटीमीटर उसका पेरीमीटर हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए, तो इसी तरह से क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है बेटा, परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट देखिए, एक रेक्टेंगल देख लीजिए, मैंने कहा एक रेक्टेंगल है, इफ देयर इज अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर बताइए उसका। तो पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है? टू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। टू लेंथ कितनी दी गई बेटा? 2। ब्रेथ कितनी है? 5 है। 5 + 2 = 7, 7 × 2 = 14। तो 14 सेंटीमीटर आपका रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो गया। समझ रहे बात को? तो इसी तरह के पेरीमीटर के क्वेश्चंस आपकी पहली एक्सरसाइज में दिए गए हैं, आपको इन क्वेश्चंस को लगाना है, ये पहला तरीका है। कुछ कुछ क्वेश्चंस में ये होगा कि आपको पेरीमीटर दे देंगे और कहेंगे मुझे साइड बताइए। तो देखिए वो कैसे करेंगे, मैंने कहा स्क्वायर है, इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 200 सेंटीमीटर, किसी भी स्क्वायर का पेरीमीटर अगर 200 सेंटीमीटर है देन फाइंड इट्स साइड, तो उसकी साइड बताइए। तो बेटा पेरीमीटर दिया गया, कितना दिया गया है? 200 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर? 4 × साइड होता है सर, इज इक्वल्स टू 200। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? साइड ही तो पूछा है, तो साइड निकाला, तो साइड मैंने इधर रखा, 4 को उधर भेज दिया, इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया तो डिवाइड में, 4 × 5 = 20, 0। कितनी आ गई साइड? 50 सेंटीमीटर। साइड कितनी आ गई? 50 सेंटीमीटर। इसी तरह रेक्टेंगल का दे देंगे आपको, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है, देखिए बेटा मेन चीज होता है कॉन्सेप्ट को समझना, कैसे क्वेश्चन सॉल्व हमें करना है। तो अब आप लोग पेरीमीटर के लिए अपनी अपनी पहली एक्सरसाइज आप लोग लगाएंगे, ठीक है। पेरीमीटर के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, आप सारे क्वेश्चन ध्यान से लगाएंगे। एक दिन का समय है आपके पास, आप आज और कल में क्वेश्चंस लगा के कल शाम तक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो पेरीमीटर के क्वेश्चंस में, वो आप मुझे सेंड कर दीजिए। तो अगली वीडियो में जब हम आपको एरिया हम पढ़ाएंगे, उसी वक्त पहले आपको पेरीमीटर के आपके जो डाउट है वो बताएंगे, उसके बाद एरिया। बहुत ही स्पीड से काम करिए, हमें बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना और बहुत जल्द तरीके से हमें अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो प्रॉब्लम हो आप कल शाम तक व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है बेटा। गुड बाय टू ऑल।